नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सर, अगर हम कोई नया बिजनेस करते हैं तो बिजनेस क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप में से हर व्यक्ति अपने बिजनेस में सफलता हासिल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे अनिवार्य है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में सफलता के सिद्धांत क्या हैं। जो व्यक्ति बिजनेस में सफलता के सिद्धांतों को समझता है, अनुकरण करता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस में सफलता हासिल कर पाता है। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। जैसे जैसे देश का विकास होता जा रहा है, बिजनेस के नए आयाम और नए कीर्तिमान स्थापित होते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे पास बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि उन अपार संभावनाओं में से हम किस तरह के बिजनेस का चयन करते हैं और अपने जीवन में उस बिजनेस को करके बहुत अधिक बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बिजनेस आज के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, अपने पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं। जितने भी बिजनेस इस समय पे पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं उनमें विकास की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि जिस समय एक बिजनेस अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है उस समय पर उस बिजनेस में रेशियो ऑफ मार्जिन घट जाता है और कंपटीशन का आकार निरंतर बढ़ता जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अभी व्यापार की सामान्य अवस्थाओं तक पहुंचे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिनका चयन करके आप बहुत अधिक उपलब्धियों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक समय में वो बिजनेस बिल्कुल नए बिजनेस हैं। और जब कोई बिजनेस बिल्कुल नया बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में, उस व्यापार में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी बहुत अधिक होती हैं, साथ ही साथ कंपटीशन भी बहुत कम होता है। जब किसी बिजनेस में कंपटीशन कम होता है तो उसमें ग्रोथ की संभावनाओं के साथ साथ रेशियो ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए आपको यह देखना होगा कि जो बिजनेस आप लोग करना चाहते हैं कहीं वो व्यापार की चरम सीमा तक तो नहीं पहुंच गया है और उसमें प्रॉफिट की मात्रा भी कम है, और साथ ही साथ कंपटीशन के इस दौर में भीड़ के रूप में लोग उस बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप ऐसे बिजनेस का चयन करते हैं जिसके भविष्य में बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं तो आप अधिक मार्जिन कमाते हुए कम कंपटीशन का सामना करते हैं, जिससे आने वाले समय में आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपकी सीट पर बैठे हर उस व्यक्ति का जो अपने बहुमूल्य समय में से आज का समय इस बात को समझने पर लगा रहा है कि मुझे कौन सा बिजनेस का चयन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, लाइफ में आप कोई भी बिजनेस करें, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि क्या आप बिजनेस में सफलता के सिद्धांतों को ठीक तरीके से समझते हैं या नहीं। यदि आप अपने बिजनेस में सफलता के सभी सिद्धांतों को एक बार सीख जाएंगे तो कोई भी बिजनेस आप अपनी लाइफ में करें, आपके आगे बढ़ने की संभावनाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इस समय अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर है। मंदी होने के साथ साथ कंपटीशन भी निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आज प्रत्येक बिजनेसमैन की यह अनिवार्य आवश्यकता बन गई है कि वो अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करे। लेकिन एडवर्टीजमेंट के बजट निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए आज के आधुनिक समय में बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एडवर्टीजमेंट करने के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग का प्रयोग करते हैं। और यदि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी एक कोर्स करते हैं और कोर्स को करने के बाद आप बहुत सारी कंपनीज के साथ टाई अप करके उनका सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का डिवीजन आप संभालते हैं तो आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह के बिजनेस का चयन करते हैं तो आपके पास आने वाले समय में भी व्यापार में आगे बढ़ने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। आज छोटी से छोटी कंपनी और बड़ी से बड़ी कंपनी अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग का प्रयोग करती है। ऐसे में यदि आप इसका कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद आप कंपनीज के साथ टाई अप करके उनके सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ और एसएमओ का काम संभाल सकते हैं। आज के समय में यदि कोई भी कंपनी किसी भी एडवर्टाइजर को कॉन्टैक्ट करती है तो ऑन एवरेज 25,000 रुपये पर मंथ से लेकर 40,000 रुपये पर मंथ तक
वो एडवर्टीजमेंट कंपनी उस कंपनी से चार्ज करती है। और यदि आप अपने घर बैठकर बिजनेस करना चाहते हैं, बिना ऑफिस सेटअप के बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित कोर्स करें। कोर्स करने के बाद आप कंपनीज को इन्फॉर्मेशन भेजें कि यदि आप इंटरनेट मार्केटिंग के जरिए अपने प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं ये काम आपका कर सकता हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने यह बिजनेस शुरू किया है और इस बिजनेस में वो एक कंपनी से लगभग 25 से 40,000 रुपए प्रतिमा लेते हैं। और कई लोग बहुत सारी कंपनीज का सोशल मीडिया, इंटरनेट मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग का काम संभालते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फुल टाइम या पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज यदि आप 25,000 रुपए प्रति माह कंपनी से लेते हैं और ऑन एन एवरेज यदि आपके पास 20 से 30 कंपनीज हैं तो 5 से 7 लाख रुपए पर मंथ का बिजनेस आप करते हैं। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कंपनीज आपके पास निरंतर बढ़ती जाए, आप अपनी टीम बना सकते हैं, आप अपने साथ लोगों को ट्रेन करके उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ऐसा करके आप लाखों रुपया इंटरनेट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, SEO, SMO के माध्यम से कमा सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आज के आधुनिक समय में ये एक ऐसा बिजनेस है जहां बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप एक बहुत बेहतरीन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। बिजनेस का दूसरा आइडिया, आज आप जानते हैं कि लगातार हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड निरंतर बढ़ रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उस अनुपात में सप्लाई निरंतर घटती जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोलर पावर के इस्तेमाल पर बहुत अधिक जोर दिया है। फ्रेंड्स, आपके पास एक ऐसे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले समय में बहुत तेजी से प्रगति करेगा, क्योंकि बिजली की आपूर्ति निरंतर घट रही है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बिजली की डिमांड रोजाना बढ़ रही है। यदि आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने कस्बे में सोलर पैनल से संबंधित बिजनेस करते हैं तो आपके पास एक नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी होगी। आप सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल का सेल परचेज, सोलर पैनल की होलसेल, सोलर पैनल की रिटेल और सोलर पैनल से संबंधित सर्विसेज का बिजनेस भी कर सकते हैं। यह बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होता है। आप 5 पैनल, 10 पैनल से अपना छोटा सा शॉप खोल सकते हैं, डीलरशिप खोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल सकते हैं। आज जितनी भी कंपनीज सोलर पैनल बना रही हैं, वो अपने प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में बेचने के लिए अलग अलग राज्यों में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर अपॉइंट कर रही हैं। ऐसे में सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां बहुत बड़ा व्यवसाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक फ्यूचर बेस्ड बिजनेस है, क्योंकि आने वाले लंबे समय में सोलर ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ती जाएगी और आप एक ऐसे बिजनेस के मालिक बन जाएंगे जिसमें इस समय बहुत कम कंपटीशन है, लेवल ऑफ मार्जिन बहुत हाई है और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरा सपोर्ट कर रही है। यदि आप अपने बिजनेस को निरंतर बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स में भी आपके द्वारा सप्लाई किए हुए सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे। आप देखते हैं गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट हैं वहां पर डिपार्टमेंट बनाया गया है कि इस डिपार्टमेंट में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाएगा। आप स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, मेट्रो स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, जहां भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देखेंगे वहां पर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन लगातार चलती जा रही है। आप सोलर पैनल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कम पूंजी से लेकर जितनी पूंजी की मात्रा आप लगाने के लिए तैयार हैं उतनी पूंजी में आप सोलर पैनल का बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। अनडेवलप्ड एरिया में, रूरल एरियाज में, विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट्स में, कस्बे में इस तरह के बिजनेस की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिजली आपूर्ति के लिए सरकार वहां पर चीजें उपलब्ध नहीं करवा पा रही। ऐसे में आप वहां सोलर पावर का इस्तेमाल करके सोलर पावर से संबंधित प्रोडक्ट सेल, परचेज और सर्विसेज का बिजनेस करके हजारों नहीं लाखों में इनकम कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस जो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, वर्तमान में उसकी डिमांड बहुत अधिक है और आने वाले समय में भी इसकी मांग निरंतर बढ़ती जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसे घर की जहां पर किचन ना हो?
भारत में प्रत्येक घर में किचन का निर्माण किया जाता है, क्योंकि भारत में प्रत्येक घर में किचन लगाई जाती है। ऐसे में किचन, वैनिटी एंड वार्डरोब से संबंधित बिजनेस करके आप हजारों नहीं लाखों में पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यदि आप किचन का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको फैक्ट्री सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाना होगा। आज बहुत सारी कंपनीज जो बड़े पैमाने पर मॉड्यूलर किचन्स, मॉड्यूलर वैनिटीज, वार्डरोब्स, स्टील फर्नीचर का निर्माण करती हैं और पूरे भारतवर्ष में अपने डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर व फ्रेंचाइजी अपॉइंट कर सकती हैं। आप छोटी सी शॉप में डीलरशिप लेकर 2 किचन, 3 किचन, 1 किचन जितनी भी इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस करना चाहते हैं उतना इन्वेस्टमेंट लगाकर आप वहां पर सेटअप बना सकते हैं। इस बिजनेस में आपको स्टॉक करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर घर जहां पर किचन लगाए जाते हैं वहां सारे प्रोडक्ट 100% कस्टमाइज होते हैं, मतलब क्लाइंट की आवश्यकता अनुसार आपको प्रोडक्ट बनाने होते हैं और वो सारी कंपनीज जो आपको डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप या फ्रेंचाइजी देती हैं, या उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपके साइज़ के अकॉर्डिंग, क्लाइंट के साइज़ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना के आपको सप्लाई करें। और ऐसे में जब आप किसी भी कंपनी में कस्टमाइज प्रोडक्ट के लिए काम करते हैं तो आपको लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि किसी भी तरह का स्टॉक आपको मेंटेन नहीं करना होता। इसकी वजह से एक बार जो डिस्प्ले में पैसा लगा है वही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और जितना भी माल आप बेचते हैं वो 100% एडवांस पेमेंट के माध्यम से ही बेचा जाता है। तो आप अपने राज्य में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव में, अपने जिले में, अपने कस्बे में मॉड्यूलर किचन का बिजनेस, मॉड्यूलर फर्नीचर का बिजनेस करके हजारों नहीं लाखों रुपए में इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि मॉड्यूलर किचन का जो सेगमेंट है वो एक कस्टमाइज सेगमेंट है। वहां पर किसी भी तरह से एक किचन की कोई एमआरपी नहीं होती। एमआरपी ना होने की वजह से और कस्टमाइज प्रोडक्ट होने की वजह से रेशियो ऑफ मार्जिन बहुत अधिक हाई होता है और लेवल ऑफ कंपटीशन में भी आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप ऐसे बिजनेस का चयन करें जहां प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत हाई हो। कस्टमाइजेशन में आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कॉम्पिटिशन में भी आप कस्टमाइजेशन का फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत अधिक मार्जिन कमा सकते हैं। स्टॉक रखने की तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, आज का समय आधुनिक तकनीकी का समय है। ऐसे समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। यदि आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आप किसी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर व लैपटॉप का हार्डवेयर, चिप लेवल रिपेयरिंग का कोर्स करके अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में लैपटॉप कंप्यूटर की रिपेयरिंग की शॉप, सर्विस सेंटर, सेल परचेज का बिजनेस करके बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम है, साथ ही साथ आपके आसपास के क्षेत्र में जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज से एएमसी लेकर आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कंप्यूटर और लैपटॉप के सेल परचेज का बिजनेस कर सकते हैं और किसी भी ब्रांडेड कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर लेकर भी आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस में कितना निवेश करने के लिए तैयार हैं। यदि आप जितना ज़्यादा समय अपनी योग्यता और काबिलियत पर लगाएंगे उतना कम निवेश में आप बहुत अधिक मार्जिन कमा पाएंगे। इसलिए आधुनिक समय में आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, किसी भी इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर का हार्डवेयर, लैपटॉप का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स करें। उसके बाद आप एक सक्षम इंजीनियर बनते हैं। आप अपने राज्य में इस काम को कर सकते हैं और आसानी से बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में ऑलरेडी कंप्यूटर और लैपटॉप के बहुत अधिक इंजीनियर्स हैं तो ऐसे में उनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत होती है तो आप होलसेल का बिजनेस कर सकते हैं, हार्डवेयर का सामान, एक्सेसरीज का सामान और बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ आप नए व पुराने लैपटॉप और कंप्यूटर्स के सेल परचेज के बिजनेस के साथ साथ रिपेयरिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो कम समय में, कम पूंजी में, कम निवेश में, छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आसानी से खोला जा सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास मोबाइल फोन ना हो। कैसा संभव है? आज हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 125 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन मोबाइल फोन की बात करते हैं तो 125 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फोन हमारे देश में हैं। इसका मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में कोई भी व्यक्ति मोबाइल से अछूता नहीं रहा है।
वो दिन चले गए जब हमारे देश में कुछ ही चुनिंदा कंपनीज मोबाइल फोन का व्यापार करती थी, जैसे नोकिया, सोनी एरिक्सन, बैंक यू। ये वो कंपनीज हैं जो आज से बहुत समय पहले मोबाइल फोन का बिजनेस करती थी। जैसे जैसे मोबाइल की डिमांड बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता गया, अनेकों कंपनीज ने इस क्षेत्र को देखा कि इसमें विकास की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। उन कंपनीज ने भी बाकी सेक्टर्स को छोड़कर सारा निवेश मोबाइल टेक्नोलॉजी में लगाना शुरू किया। आज मोबाइल इंडस्ट्री में ब्रांड की बाढ़ सी आ गई है। जब अर्थव्यवस्था में किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं तो उनके द्वारा बनाए गए हैंडसेट्स और उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स में सर्विसेज की डिमांड भी लगातार बढ़ती जाती है। ऐसे में आप किसी भी इंस्टीट्यूट से मात्र 3 महीने का मोबाइल रिपेयरिंग का सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और चिप लेवल का कोर्स करके अपने राज्य में मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप या सर्विस सेंटर खोल सकते हैं। साथ ही साथ आप नए व पुराने मोबाइल फोन की ट्रेडिंग, सेल परचेज का बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा निवेश करना चाहते हैं तो आप किसी भी कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर लेकर भी अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में पहले से मोबाइल रिपेयरिंग की बहुत सारी दुकानें हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे राज्यों में जहां लाइन से मोबाइल फोन रिपेयरिंग की बहुत सारी शॉप्स हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, बहुत सारे युवाओं ने इस कोर्स को करके अपने राज्यों में इसका काम किया हुआ है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने राज्य में होलसेल का स्पेयर पार्ट, एक्सेसरीज, बैटरीज, चार्जर, मोबाइल फोन की ट्रेडिंग और सेल परचेज कर सकते हैं। यदि आप बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांडेड कंपनी का सर्विस सेंटर खोलकर आप बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की थी 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जो बहुत छोटी पूंजी, कम समय, कम इन्वेस्टमेंट, कम निवेश और कम जगह से शुरू किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे बिजनेसेस में आपकी टेक्निकल नॉलेज और स्किल ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे ऐसे बड़े बिजनेसेस के बारे में जहां पर बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस करते हैं, जहां पर आपकी इन्वॉल्वमेंट के अलावा आपकी टीम, आपके एम्प्लॉयज, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है और वो बिजनेस हजारों और लाखों के नहीं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से शुरू होते हैं और इनकम भी करोड़ों में होती है। फ्रेंड्स, तो इस तरह के किसी भी बिजनेस के बारे में यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स मैं किस इंस्टीट्यूट से कर सकता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर और चिप लेवल का कोर्स मैं कहाँ से कर सकता हूँ, मॉड्यूलर किचन के लिए कौन सी बेहतरीन कंपनी है, सोलर का बिजनेस अगर मैं करना चाहता हूँ तो कहाँ से मैं होलसेलर्स का कॉन्टैक्ट ले सकता हूँ, मतलब इन 5 बिजनेस से संबंधित यदि कोई भी सवाल आपका हो तो आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी बिजनेस के सेटअप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहता हो या पर्सनल लेवल पर कोई भी कंसल्टेंसी चाहता हो तो आप लोग मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपने जीवन में निरंतर कुछ ना कुछ अवश्य सीखें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को डेवलप करें, अपने आप को डेवलप करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। दोस्तों, जब आप नया बिजनेस करेंगे तो समस्याएं तो आपके सामने आएंगी ही, लेकिन जो लोग उन समस्याओं को पार करके पूरी मेहनत, शिद्दत और ईमानदारी के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करेगा, उसको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। एक अंतिम बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं कि वो पथ क्या प्रतीक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिक्रे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो आप लोग जीवन में आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें।